हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू पेशावर चैन एकेडमी डियर स्टूडेंट मैं अब्दुल आसान और आप देख रहे हैं पेशावर चैन एकेडमी तो डी स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं इंडो रेटिकुलम के, के बारे में कि बेसिकली इंडो रेटिकुलम क्या है डियर स्टूडेंट इंडो रेटिकुलम का टाइप भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ और इंडो रेटिकुलम का फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एम के लिए सेट कई बार एम आ चुके हैं इस टॉपिक से मेडिकल टेस्ट में तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए डियर स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया है डियर स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया है बाय पोर्टर ने इन 1945 में ओके इनटू प्लाज्मिक वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945 डियर स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किया है पॉटर ने इन 1945 में ओके टुडे स्टूडेंट

तो ये है मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओके इंडो मींस इनसाइड प्लाज्मा मीन साइटोप्लाज्म रेटिकुलम मींस नेटवर्क ओके तो ये है मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टुडे स्टूडेंट आप डिफाइन करते हैं दिस प्लान ये क्या है इट इज डबल मेंब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ये डबल बाउंडेड मेंब्रेन स्ट्रक्चर है ओके okay? तो ये आपने साथ नोट करें इन नेटवर्क फॉर्म थ्रू इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट डी स्टूडेंट ये क्या है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ये नेटवर्क फॉर्म में थ्रू इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट में मौजूद होते हैं ओके okay? तो ये आपने साथ नोट करें डी स्टूडेंट इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल डी स्टूडेंट अपने साथ नोट करें कि यह यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं इन ऑल यूकेरियोटिक सेल ओके तो ये आपने साथ नोट करें इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल डियर स्टूडेंट इंडो रेटिकुलम इज एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट ये एक्सटेंड है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू

देखिए स्टूडेंट मॉर्फोलोजिकली इसका टू टाइप है ओके मॉर्फॉलॉजली टू टाइप है ओके वन इज रफ इंडोप्लाज्मिक ओके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटोकोलम और सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटेकोलम ये टाइप है किसका इंडोप्लाज्मिक रेटेकोलम का ओके तो देखिए डियर स्टूडेंट राफ इंडोप्लाज्मिक रेटेकोलम क्या है डियर स्टूडेंट ये वो टाइप है इंडोप्लाज्मिक रेटेकोलम का जिसके साथ राइबोसोम अटैच है ओके इन विच राइबोसोम आर अटैच ये वो टाइप है इंडोप्लाज्मिक रेटेकोलम का जिसके साथ राइबोसोम अटैच है इन विच राइबोसोम आर अटैच देखिए रिय स्टूडेंट इसका जो रिय स्टूडेंट एपियर है एपियार वो है ग्रेनुलर ओके और स्टूडेंट इसका जो फॉर्म है वो है राफ राफ इन फॉर्म तो ये अपने साथ नोट करें यहां पर आप देख सकते हैं रिय डिया स्टूडेंट डायग्राम में ओके यह है डायाग्राम रिएस्टोरेंट स्टूडेंट प्लाजमिक रोडिकोलम का रॉफ इंडोप्लाज्मिक प्लाजमिक रोडिकोलम का तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के क्या है यह है राइबोसोम जो अटैच है किसके साथ जो अटैच है रिएस्टोरेंट रॉफ इंडोप्लाज्मिक प्लाजमिक रोडिकोलम के साथ यह है क्या राइबोसोम ओके ये राइबोसोम है

देके स्मूथ वो टाइप है इन डोप्लामिक रेटोकोलम का जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है ओके जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है ओके राइबोसोम इन विच राइबोसोम आर नॉट अटैच इन विच राइबोसोम आर नॉट अटैच ओके और स्टूडेंट इसका जो अपियरेंस है वो है स्मूथ इन फॉर्म स्मूथ इन फॉर्म डिएस्टोडेंट इसका जो अपियरेंस है वो है स्मूथ नाम से भी जाहिर है ओके स्मूथ इन डोप्लाज्मिकोटोकुल का अपियरेंस है स्मूथ इन फॉर्म और रफ इन प्लाज्मिक करोटोकुलम का जो अपियरेंस है वो है स्टूडेंट ग्रेनुलर ओके और राफ इनफॉर्म है ओके डी स्टूडेंट तो यहाँ पर आप देखते हैं डायग्राम में डी स्टूडेंट ये है डायग्राम स्मूथ इंडो प्लाजमी क्रेटिकोलम का ओके डिया स्टूडेंट तो यहाँ पर आप डी स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसके साथ स्मूथ रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं है क्लियर है यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में और इसके साथ डियर स्टूडेंट राइबोसोम अटैच है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये डायग्राम है स्मूथ रेटिकुलम का और ये डायग्राम है राफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम का ओके डियर स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट आप डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपने नोट करना है

हार्मफुल ड्रग वो है दिया स्टूडेंट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये आपने नोट करना है ओके इन लिवर सेल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग तो ये आपने नोट करना है दिस स्टूडेंट थर्ड फंक्शन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म दिस स्टूडेंट ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस स्टूडेंट ये हेल्प करता है इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में तो ये भी आपने नोट करना है दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डियर स्टूडेंट इन न्यूरॉन सेल में द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स डियर स्टूडेंट ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूरॉन सेल में डियर स्टूडेंट रिस्पांसिबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इंपल्स मींस मैसेज डियर स्टूडेंट ओके जो फाइव फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है डियर स्टूडेंट ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो करते हैं रोल इन मसल कंट्रेक्शन स्टूडेंट जब मसल कंट्रेक्ट होता है तो स्टूडेंट इसमें स्मूथ एंड डिप्लास्मिक रेटिकोलम मेन रोल प्ले करते हैं okay? तो ये आपने नोट करना है और ये इंपॉर्टेंट है के लिए ये आपने थैंक फॉर वॉचिंग सी यू इन वीडियो